हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर 17 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी व्हिच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो हमारे नीट के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो हम उसको नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान जो जो इवेंट होते हैं उसकी करेक्ट मतलब उसका मतलब कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन चारों में से, वो हमें बताना है। तो देखो भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रेगम, ये ठीक है, ये नहीं है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये नहीं, ये ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है, ये भी ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये डिक्रीज हो जाता है, ये गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। अब मैं आपको डिटेल में कुछ बातें इससे रिलेटेड यहां पर समझा रही हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि इंस्पिरेशन जो है वो इनिशिएटेड होती है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रेगम, जो कि इंक्रीज कर देती है वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। अभी मैं आपको ये डायग्राम के साथ बताऊंगी। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, वो मतलब वो रिब्स को लिफ्ट कर देती है, और जो स्टर्नम होता है वो एक इंक्रीज कोज करता है किसकी वॉल्यूम में, थोरेसिक चैम्बर की, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं, मुझे पता है आपको कम समझ में आया होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो ये जो है दो चीजें कंक्लूड करती है मेजरली, एक होता है भाई डायफ्रेगम और एक होती है रिब्स, ठीक है, रिब्स यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि ICM, ठीक है, ये बोला जा सकता है। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो दो स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, कौन से, एक होता है भाई इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपीरेशन। बात इस क्वेश्चन में हमारी इंस्पिरेशन की हो रही है, उसको समझेंगे। तो देखो इस मतलब यहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट जो मैकेनिज्म होता है इस मतलब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, उसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब यहां पे आप एक डायग्राम देखो, ये लंग्स जो है मेरी कुछ ठीक नहीं बनी, लेकिन ये लंग्स हैं, ठीक है, आप समझ जाना। ये देखो ये होता है भाई डायफ्रेगम जो लंग्स के नीचे होता है, ठीक है, जिसके ऊपर तक हम एब्डोमिनल कैविटी कंसीडर करते हैं सारे ऑर्गन्स को, यानी कि ये मस्कुलर सेप्टम का बना होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है भाई डायफ्रेगम का, मैं आपको काम बता देती हूँ। देखो ये यूरिनेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन यूरिनेशन, ठीक है, स्टूल पासिंग, और भाई चाइल्ड बर्थ। देखो मैंने आपको साथ के साथ डायफ्रेगम के जो है यूज मतलब कहाँ कहाँ ये मदद करता है, मैंने ये तीनों चीजें बता दी, यूरिनेशन में, यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में यानी एक्सक्रीट आउट करने में वेस्ट मटेरियल, चाइल्ड बर्थ के दौरान डिलीवरी के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना क्या होता है, उसका मतलब कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग आप क्या समझोगे, सिकुड़ जाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली सिकुड़ने के बाद, एक्सपेंड होता है फैलना, उसका अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है सिकुड़ना। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है किसकी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी की, वो इंक्रीज हो जाती है इन एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन।
देखो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम होगी थोरेसिक कैविटी की, थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी में क्या क्या होता है भाई, थोरेसिक कैविटी ये ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है जिसमें हार्ट होते हैं, लंग्स होता है, चेस्ट एरिया जो होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, यानी डायफ्रेगम से ऊपर वाला जो है, ठीक है, उसकी जो क्या होगी वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा नीचे की साइड ऐसे आ जाएगा डायफ्रेगम, ऐसे हो जाएगा ये, देख पा रहे हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ बढ़ गया यहाँ पे, और इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर होता है भाई फ्रंट वाला हिस्सा जो होगा उसको एंटीरियर बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर होता है वो होता है बैक वाला रीजन, यानी फ्रंट और मतलब ऐसे इस उस डायरेक्शन में जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है बैक, फ्रंट टू बैक, ठीक है। तो मैंने ये आपको किसके बारे में बताया है, इसका एग्जांपल दे देती हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से इस चीज को, मैमल्स में होता है ऐसा, ठीक है, क्रोकोडाइल जो हो गया उसमें भी होता है एटसेट्रा। अब आगे बात करेंगे अपनी किसकी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में, जो स्पेस होता है, ताकि एक बार मैं अगर आपको पूरा बेसिक बता दूं तो बार बार कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जो रिब्स होते हैं स्पेस बिटवीन टू रिब्स, रिब्स आप जानते होंगे, ठीक है, जो हमारे चेस्ट के लगे होते हैं, मतलब अपना चेस्ट एरिया में जो होते हैं ऐसे रिब्स होते हैं, ठीक है, ये 12 रिब्स, और इनके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, ये चीज तो आप जानते ही होगी, ये होती है रिब्स, ये आप जो है मसल वाले चैप्टर अपना बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि कौन सी रिब, मतलब काफी टाइप के रिब्स होते हैं अपने, कोई फ्लोटिंग रिब हो गई, कोई कैसी, मतलब ठीक है, इनकी जो है रीजन के ऊपर बेस्ड करते हैं, इनकी जो लोकेशन है उसके ऊपर बेस्ड करते हैं, तो ये रिब्स है बेसिकली, ठीक है। जो दो रिब्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है क्या, इंटरकोस्टल स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकोस्टल स्पेस, जिसमें कि दो टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं, टू टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि क्या क्या नाम होता है भाई, एक होती है एक्सटर्नल आईसीएम, आईसीएम मैंने आपको बताया था इंटरकोस्टल मसल, मैं लिख सकती हूँ एक्सटर्नल आईसीएम, और एक होती है भाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, दो टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे, मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे इसके ईडीएस करके, फिर बात करेंगे आगे। देखो अगर मैं बात करूं बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईसीएम, सॉरी ई आईसीएम, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है, अगर उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिब्स की, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईसीएम रिब्स और जो स्टर्नम है, ठीक है, अगर इसकी किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, ई आईसीएम अगर सिकुड़ जाए तो जो रिब्स और स्टर्नम है वो अपवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, अपवर्ड एंड आप इंस्पिरेशन करके देखो एक बार, इंस्पिरेशन यानी कि सांस अंदर लेना, एक बार आप करके देखो, आप खुद ये महसूस करोगे कि जो आपका स्टर्नम है वो ऊपर की साइड और बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक बार खुद ट्राई करके देखो, आपको ये लाइन समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस मतलब इसका क्या होता है कि वही जो मैंने पीछे बताया था, इसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम जो है हमारी वो इंक्रीज हो गई, डायफ्रेगम जो है नीचे की साइड शिफ्ट होता है, ऐसे था, सॉरी ऐसे तो नहीं था, एक मिनट, ऐसे था, ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लैटेंड हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया ना, बिल्कुल ऐसे डोम शेप्ड का होता है डायफ्रेगम, उससे बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया, यानी इंक्रीज हुआ एरिया, यानी ये थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इसको हम मतलब ये हमारा क्या होता है, इंस्पिरेशन का, और इंस्पिरेशन जो है वो कब होती है, इंस्पिरेशन कब अकर होती है, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन या तो जो आईपीपी है इज लो देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, एक और डायग्राम है जो अभी मैं इसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ, यानी कि नेगेटिव प्रेशर लगना चाहिए लंग्स पे, आईपीपी जो है वो लो, मतलब लो होना चाहिए, आईपीपी का मतलब होता है भाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, क्या होता है आईपीपी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब आप एक डायग्राम को देखना अच्छे से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको जो भी टॉपिक आ रहा है उसके रिगार्डिंग मैं बिल्कुल डिटेल में जाके आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज जो है जो मैं समझा चुकी वो क्वेश्चन में आएगा तो बार बार वो चीज रिपीट नहीं होगी। देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूं अब यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो,
ये एक साइड के लंग की बात करेंगे हम, ठीक है? मतलब दोनों में वही फुल होता है तो दोनों लंग बनाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे इसका प्रेशर लिख रही हूँ 758, ठीक है? अब देखो भाई, ये जो होती है, ये होती है प्लूरा फ्लूड, जो अंदर ये है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लूरा फ्लूड। पहले मैं लेबलिंग कर रही हूँ सारे इनकी। यहाँ पे हमारा भार होता है एटमोस्फेरिक एयर, यानी कि उसको बोल सकते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर या एयर, एटमोस्फेरिक एयर, यानी वो कितना है 760 mmHg। अब यहाँ पे ये कितना है 750, यहाँ पे 760 है। जो मैं नंबर लिख रही हूँ ये याद रखना भाई, ये हमारे क्या है लंग, ठीक है? लंग्स नहीं, ये लंग ही है क्योंकि ये की बनाई है हमने। उसके बाद ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये जो है अंदर वाली ये क्या होती है इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये जो है अंदर वाली ये होती है भाई इंट्रा पल्नरी प्रेशर, ये प्रेशर है भाई, ये भी ये क्या होगा इंट्रा पल्नरी प्रेशर होगा ये, ठीक है? यानी कि आईपीपी जिसकी मैं बात कर रही थी, अभी आपको बता रही थी कि आईपीपी लो होना चाहिए एटमोस्फेरिक के कंपैरिजन में, तभी वहां पे लंग्स के ऊपर नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा और इंस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो अभी आप देखना भाई मैं जो बता रही हूँ, देखो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव से क्या तात्पर्य है कि अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो अगर ये नेगेटिव क्यों होता है पहले ये चीज समझो, अगर ये पॉजिटिव होगा भाई, ये प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है लंग्स कोलैप्स्ड हो सकती हैं। कोलैप्स्ड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ, देखो ये प्रेशर नेगेटिव है ये वाला जो है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये जो दोनों लेयर है, सॉरी मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाएंगी। चिपक गई तो भाई एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाएगा ना, कैसे इसका लंग्स ही कोलैप्स्ड हो गई तो इंसान के जो है, इंसान किसी भी ह्यूमन बींग के लिए वो फैटल हो सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा जो है मतलब फेटल का मतलब होता है कि काफी ज्यादा खतरनाक, मतलब इतना कि इंसान की डेथ भी हो सकती है कोलैप्स्ड होना लंग का। आपने सुना भी होगा भाई लंग्स कोलैप्स्ड हो जाएगी तो क्या ही रह जाएगा, फिर सांस नहीं ले पाएंगे, कोई ब्रीदिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोई ऑक्सीजन जो है शरीर में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कोई गैसियस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो ये होता है कि भाई हमेशा नेगेटिव क्यों होना चाहिए प्रेशर, ताकि जो है ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना हो पाए, क्योंकि पॉजिटिव होते ही ये कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है? ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू विच लंग्स रिमेन, ये नेगेटिव इसलिए होता है मतलब कि जो लंग्स है ये अपनी शेप में रहे, लंग्स रिमेन्स इन शेप। अब आप देख पा रहे हो नेगेटिव है तो देखो ये बिल्कुल दूर दूर अपनी शेप में है, रिमेन्स इन प्रॉपर शेप, ठीक है? पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो इंट्रा पल्मेरी प्रेशर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये होता है भाई प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड लंग, मतलब कि गैस का प्रेशर लंग के अंदर क्या है, गैस का प्रेशर लंग के अंदर क्या है, वो होता है आईपीपी, जो कि मेरे पास है 750। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आईपीपी शुड बी, लिखा होगा मैंने, नहीं लिखा यहाँ पे, आईपीपी शुड बी मतलब इंस्पिरेशन तभी हो सकती है जब आईपीपी लो हो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे देख लो अब एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है 760, और जो ये आईपीपी है हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये कितना है 750, ये इससे कम है, इससे कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई एयर, ये मतलब अंदर की साइड हम एयर को ले पाएंगे, खींच पाएंगे, ठीक है? अब आप एक छोटी सी बात देखो, अगर आपको ये चीज ऐसे भी समझ नहीं आई तो मैं आपको ये बता रही कि एक पानी का ग्लास है भाई, वो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें आप क्या भरोगे, आप उसमें बेशक पानी भरे जाओ, कोई फायदा है, कोई फर्क पड़ेगा, वो भार मतलब भारी निकल जाएगा, ठीक है? उसमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, एक ग्लास आधा है, उसमें आप जो है गुंजाइश रहती है कि आप उसमें पानी डालो,
सोडा डालो, कुछ भी डालो, कोई भी मतलब अपना लिक्विड सब्सटेंस आप उसमें डाल सकते हो. क्यों डाल सकते हो? क्योंकि भाई उसके पास अभी इतना स्पेस है, गुंजाइश है. तो यही तो बात हुई ना, अंदर हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक एयर के कंपेरिजन में कम है, यानी कि गुंजाइश है कि अंदर हम एयर को ले सके. तो इंस्पिरेशन यही प्रोसेस है भाई, कि IPP लो होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो हम उसके मतलब उस की वजह से जो है इंस्पिरेशन का प्रोसेस कर पा रही है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चीज अच्छे से समझ आई होगी जो मैंने IPP के बारे में बताई. और अभी मैं आपको इसका बिल्कुल समराइज करके बता देती हूँ कि इंस्पिरेशन के दौरान मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, मैंने आपको अच्छी खासी टर्म्स बता दी है, मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, IPP समझा दिया है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बता दिया है, विद डायग्राम मैंने सारी बातें बताई हैं आपको. ठीक है, और मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे आपको एक्सपिरेशन भी बता दूंगी, ताकि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रिगार्डिंग अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसके बारे में बार बार डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ अलग आएगा तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होता है. एक तो ये बात हम कई बार कर चुके हैं, अब जो वॉल्यूम है थोरेसिक रीजन की वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है. आपको पता चल गया क्यों होती है. जो प्रेशर है फ्लूड का, प्रेशर ऑफ फ्लूड ओवर लंग्स, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है भाई. प्रेशर कम लगेगा अब किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर है. ठीक है, वो अपनी शेप में रहेगा, कोई इसके ऊपर जो है फ्लूड का प्रेशर नहीं लग रहा. यानी जो प्लूरल फ्लूड था अंदर, जो प्लूरल फ्लूड मैंने डायग्राम में बताया था, उसका प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर कम हो जाता है. नेक्स्ट है, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे क्या हो जाएगी. देखो अब ये चीज समझो भाई, किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ गई. ठीक है, देखो एक अच्छा और इससे सटीक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल और बिल्कुल. एक काम को करने में लगे हैं 5 बच्चे, 5 लोग लगे हैं एक काम को, कोई कोई भी काम हो सकता है, 5 लोग लगे हैं. उन 5 लोग अभी कम है, और मान लो उनको काटने हैं, उनको गेहूं काटनी है. ठीक है, गेहूं काटने हैं 5 लोग, 1 किले के गेहूं उनको काटने हैं. तो भाई उनको हो सकता है कि 10 दिन लगे, 10 दिन उनको लगे 5 को 1 किले के गेहूं काटने में. ठीक है, अब देखो, और आपको अब आप सोचोगे कि भाई एक किले के लिए 5 लोग 10 दिन काफी ज्यादा या कम, आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको एग्जांपल की तरह कंसीडर करना. और दूसरी तरफ हम ले ले 5 से 10 कर दे, हम 10 जो है मजदूरों को काम पे लगा दे कि 1 किले के गेहूं काटने हैं. भाई हो सकता है वो 3 से 4 दिन में काट के फ्री हो जाएगा, क्योंकि 10 लोग 1 किले के गेहूं काटेंगे तो जल्दी होगा कंपेरेटिवली 5 के. तो यही चीज है भाई, यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ गई थोरेसिक रीजन की, जब वॉल्यूम बढ़ी है तो प्रेशर भी तो कम लगेगा ना वहां पे. एक तो भाई गिचमिच हो वहां पे, प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है, वो धक्का मुक्की हो रही है फ्लूड को निकलने में, आने में, गैस को, ऐसा अज्यूम कर सकते हो आप. ठीक है, अज्यूम कर लो. लेकिन अब देखो वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ गई, अब आराम से बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई मैस नहीं हो रहा वहां पे, आराम से सारी एक्टिविटीज हो रही है, नहीं प्रेशर कम लग रहा है, धक्का मुक्की कम हो गई है. तो इस वजह से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्रेशर है फ्लूड का लंग्स के ऊपर वो क्या हो रहा है, कम होगा. नेक्स्ट बात करेंगे, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगी, एक्सपेंड मतलब फैल जाएंगे, ऑब्वियसली स्पेस बढ़ा, लंग्स एक्सपेंड हुई, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी भाई. पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, यानी जो लंग्स की वॉल्यूम है, लंग्स होता है पल्मोनरी का मतलब लंग्स, या वॉल्यूम इंक्रीजेस. अब इतनी देर से हम इंक्रीज की बात करें, एक्सपेंड होगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या था. हाँ, और बता देती हूँ, 2 और हैं इसके बारे में भी बातें, रुको. जो IPP है वो डिक्रीज, वो कम होगा एटमोस्फेरिक के कंपेरिजन में, मैं बता चुकी. 6.1 ये हमारे पास क्या होता है कि एयर जो है फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू लंग्स एंड इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस. वही इसका कंक्लूजन कि बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगी और इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल मैंने पूरा आपको इंस्पिरेशन जो है खोल के बता दिया है. अब मैं आपको एक्सपिरेशन और बता देती हूँ. अगर आपको इंस्पिरेशन अच्छे से समझ आ गया भाई, एक्सपिरेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इंस्पिरेशन का उल्टा ही तो एक्सपिरेशन होता है. जो हमने सांस लिया, सांस लेने में जो जो एक्टिविटीज हुई उसका आप उल्टा कर देना, सांस छोड़ने में वही सारी चीजें, जहां स्पेस बढ़ा हाँ उसका उल्टा हो जाएगा कि एक्सपिरेशन में वो कम होगा. लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ उसके बारे में भी अच्छे से. देखो भाई, एक्सपिरेशन की बात कर लेंगे अब थोड़ा सा. एक्सपिरेशन कब होगा उसका अपोजिट करो भाई, IPP जो है
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक। अब वही एग्जांपल जो मैंने पानी के ग्लास वाला दिया था आपको, उसको ही कंसीडर करना। एक बार मैंने बोला था कि पानी भरा होगा, मतलब सॉरी ग्लास भरा होगा, तो उसमें आप पानी डालोगे तो वो भारी तो निकलेगा। अब भाई अंदर तो आईपीपी का प्रेशर ज्यादा एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में, तो जहां पे कमी होगी वही तो निकलेगा, यानी भार कम है। तो आप ज्यादा से, आप ये चीज याद रखा करो कि हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये आपकी केमिस्ट्री में भी बहुत बार आती है और ये चीज याद रखनी है। ऑस्मोसिस वगैरह में भी ये चीज आप पढ़ते हो, हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होती है हमेशा, किसकी, गैस की, मूवमेंट तो नहीं, जो गैस है हमेशा ट्रेवल करती है हाइयर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो आप देख लो अंदर हाई है, लंग्स के अंदर जो है एयर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एटमोसफेयर में कम है, तो कहां जाएगी भाई, लंग्स से भारी की तरफ तो जाएगी। और भार जन यानी कि मतलब ब्रीद आउट करना क्या होता है, एक्सपीरेशन। तो आप ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। अब मैं इसके दो चार पॉइंट्स भी आपको लिखवा देती हूं, जैसे मैंने पीछे बता दिया था आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है इन डायफ्रगम। और पीछे क्या हुआ था भाई, इंस्पिरेशन में साथ के साथ कंपेयर करते चलना, याद रखते चलना। जो इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि डायफ्रगम क्या हो गया था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया था, ठीक है, वो फ्लैटेंड हो गया था, डोम से फ्लैटेंड हो गया था बिल्कुल। तो रिलैक्सेशन होता है किसमें, डायफ्रगम में। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, उसका क्या होता है वहां पे, टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायफ्रगम हमारा रिलैक्स हो गया था बिल्कुल, वो अपनी वापस डोम शेप में आ जाता है, ठीक है, उसको अपनी डोम शेप वापस वो अटेन कर लेता है। ये ऐसे थी डोम शेप, ये मैं उल्टी बना देती हूँ बार बार, ठीक है। तो ये मतलब सारे उसका मैंने बताया था, इंस्पिरेशन का अपोजिट होता है। तो क्या क्या होगा ये याद रखो, जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ऑन लंग्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, थोरेसिक कैविटी कम हो जाएगी, इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, थोरेसिक कैविटी बढ़ी थी, प्रेशर लंग्स पे कम हो गया था इंस्पिरेशन में, क्योंकि वहां पे स्पेस बढ़ गया था, धक्का मुक्की कम हो गई थी, तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे वापस से वो अपनी ओरिजिनल जो है शेप में आ चुका है, अटेन कर चुका है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लंग्स के ऊपर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, अंदर बिल्कुल ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है एटमोसफेयर से ज्यादा है, तो अंदर क्या होगा, प्रेशर हो रहा, प्रेशर लग रहा है लंग्स के ऊपर, उसको जल्दी से हवा बाहर फेंकनी है। आप इस तरीके से ज्यूम करके याद रखो, ठीक है। अब भाई लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, अब वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, भर गया बिल्कुल, तो अब वो क्या करना चाहेगा कि भाई उसको बाहर की तरफ जो है अपना निकालना चाहेगा, मूव आउट करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपिरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीछे क्या हुआ था, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी, जो आईपीपी है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक, ये बात हो चुकी। तो दस जो एयर है जो कि फील्ड थी लंग्स के अंदर, वो बाहर की तरफ जो है मूव कर जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सपीरेशन, ठीक है। और जो मैं अब, हाँ, इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि आईपीपी का प्रेशर कितना ज्यादा होता है, ये 762 होता है, और जबकि मैंने एटमोस्फेरिक का आपको बताया था 760 होता है, ठीक है, यानी कि ये दो ज्यादा। इससे पीछे वाले में इंस्पिरेशन में हमने बात की थी आईपीपी का कितना था 758 और एटमोस्फेयर का कितना था 760 mmHg, राइट, ये था। तो भाई ये हमारा, मैंने ओवरऑल पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, ठीक है। उम्मीद है अब आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो हमें इसको इरेज करके, अब काफी टाइम हो गया हमको फर्स्ट क्वेश्चन पे लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा डिटेल में कि क्यों हमारे जो है यही दो करेक्ट इवेंट है, ना कि ये जो और हैं ये दो क्यों गलत हैं, ठीक है। ये हिस्सा नहीं होते किसका, इंस्पिरेशन का, ये दोनों एक्सपिरेशन का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, भाई करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ये सी होगी, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर में ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट। देखो गलत कैसे है वो भी देख लेंगे। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, रिलैक्सेशन होता, आप भी पढ़ के आए हैं, रिलैक्सेशन होता है, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, इंस्पिरेशन में, उसका अपोजिट क्या है, रिलैक्सेशन कहां होगा एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एक्सपिरेशन ड्यू टू मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से नहीं होती एक्सपिरेशन, इंटरनल आएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी. इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा इंस्पिरेशन. नेक्स्ट, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंटरवल में. नहीं, ये गलत है भाई, ये तो एक्सपिरेशन आएगा. ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके केस में कम था, एक्सपिरेशन के. तो इस वजह से देखो, मैं अच्छे से डिटेल में समझा के आई हूँ, तो अभी आपके लिए सारे चारों के चारों जो स्टेटमेंट है ये समझने आसान हो जाने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. भैया पूरा रिलैक्सेशन, डायफ्रेगम, प्रेशर, ये सब डिटेल में करके आया फर्स्ट क्वेश्चन में. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की जो एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, उसको क्या बोला जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भाई वाइटल कैपेसिटी होता है. अब ये वाइटल कैपेसिटी समझो ये क्या होता है, मैं इसको आपको डिटेल में बता देती हूं, स्पेस बना लेंगे. हाँ देखो, जो वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर और इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ठीक है, पहले आप इतना समझो, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई आप फोर्सफुल क्या होता है, मतलब जबरदस्ती आप इंस्पिरेशन करो, कि मतलब जितना आप ज्यादा कर सकते हो उतनी इंस्पिरेशन करो. ठीक है, एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन आपने कर लिया, यानी कि सांस अंदर फोर्सफुली आपने ले लिया, उसके बाद कि जो मैक्सिमम अमाउंट में आप एयर को बाहर छोड़ पाओगे उसके बाद, उसको बोलते हैं भाई वाइटल कैपेसिटी. मैंने क्या बोला, फोर्सफुल इंस्पिरेशन आपने किया, उसके बाद आप भाई इंस्पिरेशन कर लिया, उसके बाद तो ये तो ऑटोमेटिक बात है कि आपको एक्सपिरेशन तो करनी पड़ेगी. सांस अंदर अंदर रखे कब तक रह सकते हो, स्टे नहीं कर सकते. फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया आप, इसके बाद बिल्कुल नॉर्मली कोई धक्के से, मतलब कोई जो आप फोर्सफुली नहीं, जितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सहेल आउट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है क्या, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अब यहां पे समझें कि इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं. किसमें चेंज दिखते हैं, जो वॉल्यूम होती है फ्रॉम कंप्लीटली एम्प्टाइड लंग्स टू कंप्लीटली फिल्ड लंग्स. मैंने क्या बोला, देखो ये रिप्रेजेंट करता है किसकी मतलब चेंज, किसकी वॉल्यूम में कंप्लीटली एक जो बिल्कुल खाली लंग्स थी उसकी चेंज में, मतलब उसकी वॉल्यूम से लेकर एक कंप्लीटली जब पूरी भर गई लंग्स. ठीक है, उसमें चेंज ये दिखाता है अबाउट जो है 44,800 ml जो है, ये इट इज अबाउट वाइटल कैपेसिटी होती है. जो वैल्यू है वेरी कर सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि भाई किसकी कितनी एज है, क्या बॉडी साइज है, एज के ऊपर और बॉडी साइज के ऊपर. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है लंग्स के अंदर इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज टोटल लंग कैपेसिटी. अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, देखो ये मैंने आपको वाइटल कैपेसिटी बता दिया. ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है ये भी देख लो एक बार, यहीं पे बता देती हूँ. देखो टोटल लंग कैपेसिटी एयर की वो होती है लंग्स के अंदर एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद. अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया आपने, दोबारा से जबरदस्ती काफी मतलब अच्छा सा सांस लिया नॉर्मल. देखो एक तो आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो, आपको नहीं पता भाई आराम से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एक स्मूथ प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एक आप खुद से कॉन्शियस होके सांस लेके देखो अंदर, अच्छा खासा फोर्स, मैंने अभी जो है फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया है, तो आप भी करके देख सकते हो कि एक करके देखो आपको पता चलेगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो इस टोटल लंग कैपेसिटी वो जो फिर टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में होती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितना भरता है वो उसको बोलते हैं भाई टोटल लंग कैपेसिटी. यहां से समझ सकते हो भाई लंग की कैपेसिटी कितनी है, कि टोटल वो कितना इंस्पायर कर सकता है, उसको बोलेंगे वो कितनी है अप्रोक्स 5,800 ml. ठीक है, ये होती है इसकी कितनी थी, लिखी थी हमने 4,800 ml.
ठीक है, अब ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है और जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास शायद यही है, चलो आगे देखते हैं ठीक है। आगे किसी क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो स्टिल मैं आपको ये दोनों चीजें समझा दूंगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया हमारे पास, मैं यहीं से समझा दूंगी। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक एथलीट की वो 500 ml और 1000 ml है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसकी हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बतानी है अगर उसकी रेसिड्यूअल वॉल्यूम 1200 ml है। आप भाई इसमें सब कुछ समझाना पड़ेगा, मैं आपको टाइडल वॉल्यूम बता रही हूँ अभी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझाऊंगी ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताऊंगी और रेसिड्यूअल वॉल्यूम बताऊंगी। इन चारों टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा, मतलब आपको पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ठीक है। तो शुरू करते हैं, समझेंगे पहले इसको अच्छे से, स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे टाइडल वॉल्यूम, देखो ये इसको हम टीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वॉल्यूम होती है एयर की, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। मैंने क्या बोला, ये वो वॉल्यूम होती है एयर की जो सिंपली मतलब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन आप कर रहे हो उस दौरान जितना आप इंस्पायर कर पा रहे हो आसानी से, जितना एक्सपायर कर पा रहे हो आसानी से, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। बहुत इजी है समझना, मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताई है भाई, मैंने ये बोला कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितना वॉल्यूम को आप इनहेल कर पा रहे हो जितना एक्सहेल कर पा रहे हो, दैट इज इट, ये होता है टाइडल वॉल्यूम। और इसका कितना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, इसका वॉल्यूम सॉरी 500 ml। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जितनी भी ये हमारे पास वॉल्यूम वगैरह आ रही है, टाइडल वॉल्यूम की हो गई, मतलब अपना लंग कैपेसिटी हो गया या जो भी है रेसिडुअल वॉल्यूम, इनकी वैल्यू जो वॉल्यूम है वो आपको याद रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो अब आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि टाइडल वॉल्यूम की अप्रोक्सीमेटली ये दे रखी है, अपना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की ये दे रखी है, तो ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है। अब बात करेंगे कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। देखो ये होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये क्या होता है भाई, ये टोटल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ये होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने टाइडल वॉल्यूम में बताया था कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम हम इनहेल कर पा रहे हैं और जो एक्सहेल आउट कर पा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो 500 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ये होता है कि आप नॉर्मल सांस ले लो भाई, जो मैं कहती जा रही हूँ वो करो, उससे समझ भी आएगा। हालांकि ये हमारा पीवाईक्यू का सेशन है, ये चैप्टर में काफी अच्छे से मैंने समझाया था, आप देख सकते हो उधर काफी नोट्स वगैरह भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं इसके, स्टिल मैं दोबारा से यहाँ इसलिए समझा रही हूँ ताकि पीवाईक्यू जो है करते टाइम आपको आसानी लगे, आपको समझ आए चीजें साथ के साथ। तो देखो सांस लो नॉर्मली, नॉर्मल इंस्पिरेशन आप कर लो, उसके बाद जब आप उस सांस को छोड़ते हो तो जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन छोड़ता है नॉर्मल सांस लेने के बाद, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, कोई फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं हम, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की बात तो है ना, कितनी सक्षमता है, कितना सूक्ष्म है इंसान की भाई, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद वो कितना छोड़ सकता है अपने, मतलब ठीक है नॉर्मली, तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और ये क्या क्या इंक्लूड करती है भाई, जो टाइडल वॉल्यूम है, जो ईसी हम इसको ईसी लिख सकते हैं, जो अपना क्या है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप सोचोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैं ईआरवी से इसको रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। देखो ईआरवी क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम
ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम होती है एयर की, अ पर्सन कैन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन। अब ये तो भाई अंडरस्टूड है, देखो हमने बोला जो अपनी क्या होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है यानी ईआरवी, यहाँ पे एडिशनल वर्ड का यूज आ गया। जब हमारे पास यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एडिशनल हमारे पास आ गया यानी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तभी तो निकलेगी जब हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन करेंगे, ठीक है, वरना नॉर्मल तो भैया हम कर ही ना रहे हैं, नॉर्मल हम इंस्पायर कर रहे हैं एक्सपायर करें, क्या परेशानी हो रही है, नहीं हो रही। अब हमसे पूछा कि भाई हमसे बताया गया हमको कि एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम तो तभी जा पाएगी जब हम भाई थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा सा अपने जोन में आए, कॉन्शियस माइंड से हम एक्सपीरेशन करें, और वो क्या होगा फोर्सिबल एक्सपीरेशन यानी कि फोर्सिबल फोर्स्ड जो एक्सपीरेशन हम करते हैं उसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक तो नॉर्मल होता है कि भाई नॉर्मल तो इतना एक्सपायर पर्सन करता ही है, इतना तो सांस छोड़ेगा ही, सॉरी एयर छोड़ेगा ही इतना तो, लेकिन उससे ऊपर जितना भी वो कर पाया वो होती है उसके एडिशनल वॉल्यूम की, हाँ भाई इतनी एडिशनल वॉल्यूम जो है इस बंदे ने एक्सपायर किया है एयर को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या ईआरवी यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये मैं आपको बता देती हूँ ये कितनी होती है, 1100 ml तक ये हो सकती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसको इरेज कर लेते हैं, मैंने कहा था यहीं पे मैं आपको समझा दूंगी, चलो ठीक है, एक रेसिड्यूअल वॉल्यूम भी समझो आप अभी, देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम ये क्या होता है, आरवी इसको आप लिख सकते हो, ये होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। अब समझो ये वो वॉल्यूम होती है एयर की जो लंग्स में रह जाती है इवन अगर हम फोर्सिबल एक्सपीरेशन हमने कर भी लिया, ठीक है, मतलब हमने अपना कॉन्शियस होके बिल्कुल अच्छे से एक्सपीरेशन किया बहुत फोर्स के साथ, ठीक है, इस सांस में कि भाई हमने सारी एयर रिलीज कर दी है, ठीक है, ये आस होगी, लेकिन इसके बाद भी जो एयर जो है लंग्स में रह जाए उसको बोलते हैं उसकी रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। आप समझ आए आपको मैंने क्या बोला कि फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में बच जाती है उसको बोला जाता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये कितनी होती है भाई 1100 ml से लेकर 1200 ml तक, 1100 से 1200 ml तक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी वॉल्यूम आ गई, मैंने आपको चार चीजें बता दी है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम बताया है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया है, टाइडल वॉल्यूम बता दिया है, और एक और बताया था, क्या बताया था, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी, और मैंने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आपको बताया था टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। अब आपको देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो पता चली गई थी क्या थी, कि एक पर्सन जितना इंस्पायर कर सके एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, सॉरी एक्सपायर कर सके एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी भी मैंने आपको बता दिया, टाइडल वॉल्यूम की जो वॉल्यूम थी 500 थी, ईआरवी की कितनी थी भाई कुछ हजार, अपनी ईआरवी की 1000 से 1100 ml थी, इसको हम 1000 कंसिडर करेंगे तो जो अपनी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, टोटल 1500 ml, ठीक है, ये होगी, ये होता है। अब देखो मैंने आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बता दिया, तो क्या आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नहीं समझ सकते कि क्या होता होगा, बिल्कुल आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ये वो एयर होती है जो एक पर्सन आराम से जो है इनहेल मतलब इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, ये भी वही होता है भाई टीवी प्लस आईआरवी, बस इसमें इंस्पिरेटरी वाला रिजर्व वॉल्यूम आएगी, इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी। अब आईआरवी क्या है, ईआरवी का अपोजिट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अपोजिट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या थी, एडिशनल वॉल्यूम जो है एयर के एक पर्सन एक्सपायर कर सके। आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है या फिर इंस्पिरेटरी है, एक्सपायरेटरी था तो एडिशनल वॉल्यूम किस एक पर्सन क्या करेगा, एक्सपायर करेगा फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करेगा, जो एडिशनल वॉल्यूम एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद, वेरी कर सकती है भाई कितना 2500 ml से कितना 3000 ml तक,
ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, समझो, टाइडल वॉल्यूम मैंने बता दिया है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बता दिया है। अब देखो ये जो इसकी वॉल्यूम है ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी एट द एंड, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स है, सारी वॉल्यूम लिखी हुई है, वो याद रखो, याद करो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बता दिया, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बता दिया, रेसिड्यूअल वॉल्यूम बता दिया है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बता दिया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बता दिया है। अब बात करूंगी मैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी की, ठीक है ना, ये भी तो हम कर चुके हैं ना शायद, फंक्शन की वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक मतलब अपना किस में लंग्स में रहती है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, हाँ ये भी हम बात कर चुके कि लंग की कैपेसिटी जो, या फिर इसको बोल सकते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब एक टर्म हमारे पास क्या रह गई है, टोटल लंग कैपेसिटी, मैंने आपको बता दिया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि, हाँ टोटल लंग कैपेसिटी वो होती है भाई जितनी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है अकोमोडेट हो जाए लंग्स में। अकोमोडेट का मतलब है कि लंग्स में इकट्ठी हो जाए फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद। इसमें क्या होगा कि भाई आपने सांस अंदर लिया तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में इकट्ठी हो गई है उसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो इन सबका जो है अपना क्या होता है एडिशन होता है, ईआरवी भी इसमें आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगी, आर आईआरवी भी आ जाएगी और रेसिड्यूअल वॉल्यूम भी आ जाएगी, ठीक है इन चारों का। देखो एकदम से तो आपको सारा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि आप इसको याद करनी पड़ेगी आपको मतलब काफी हद तक सही में याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या था, रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, क्या नहीं था क्या नहीं था, या जब 6 से 7 बार सारे इनके 7 से 8 हैं ये चीजें हमारे पास, ठीक है, इनकी वॉल्यूम वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई भी मतलब इतनी कोई मुश्किल चीज है भी नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ इन सबका, ठीक है, ताकि आपको और इजी लगे। हाँ एक होता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि भाई जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है एयर की एक पर्सन ब्रीद इन कर सके यानी अंदर की तरफ ले सके फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, दैट्स इट, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखो एक क्विक रिकैप ले लो जो मैंने बताया, ठीक है, मैं एक ही जगह पे आपको जो है इसकी वॉल्यूम्स लिख के दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो टाइडल वॉल्यूम है सबसे पहले, इसकी वॉल्यूम कितनी है 500 ml होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका होता है भाई 2500 से लेकर 3000 ml तक। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका होता है 1000 से लेकर कितना 1100 ml तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है 1100 से लेकर 1200 ml तक। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसकी कितने, ये होता है भाई टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV जो मैंने आपको बताया था, तो इतना कितना हो जाएगा, टीवी कितना 500 प्लस IRV कितना है अपना 2500 से 3000, तो टोटल करोगे कितना हो जाएगा 3500 ml। ईसी की बात करूंगी, ये भी सिमिलर इसके ही होता है, टीवी प्लस ईआरवी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1600 ml, ठीक है। अगर मैं बात करूं फंक्शनल रेसिड्यूअल जो है कैपेसिटी की, फंक्शनल ये अपनी लंग कैपेसिटी जो है ये होती है कितनी, इसका होता है ईआरवी प्लस आरवी यानी रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2300 ml, ठीक है। अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें क्या होता है भाई आईवी होता है, आईआरवी होता है प्लस ईआरवी होता है, या आईवी नहीं होता है, टीवी होता है, टाइडल वॉल्यूम टीवी, ठीक है, यानी ये कितना होगा टोटल 4600 ml। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी की, जो कि यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर लेंगे, नहीं यहीं पे लिख देती हूँ ऐसे को मैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल लंग कैपेसिटी ये कितनी होती है, देखो वाइटल कैपेसिटी इसको इरेज कर देते हैं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो इजीली ले पाओ। ये होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा 5800 ml। ये जो वॉल्यूम है ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी जो है आपको याद होनी चाहिए, जो भी मैंने ब्लू पेन से मार्क किया अभी, ठीक है, ये सारी क्या है आपको याद होनी चाहिए,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ है हमारे पास टोटल। इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी वॉल्यूम याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, काफी टाइम हो गया हमको एक क्वेश्चन पे काम करते हुए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करेंगे, नहीं फोर्थ क्वेश्चन पे थे ना, अभी हमने ये सोल्व ही कहाँ किया था, सारे टर्म्स मैंने आपको समझा दी लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, तो कोई बात नहीं अभी करेंगे इसको, क्योंकि अब समझ तो आ गया। अब इतनी कुछ मेरे को एक्स्ट्रा तो नॉलेज आपको देनी नहीं, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है एक एथलीट, एथलीट की बात करी गई है 500 ml जो कि गिवन है। एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम अगर मैं एक बात करूं किसकी एथलीट की, वो कितनी है 1000 ml। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैंने बताया था टीवी प्लस ERV, यानी कि हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालनी है तो कितना हो जाएगा, ये टीवी कितना है 500, ERV कितना है 1000, तो वही सिंपल आंसर क्या आ गया 1500 ml। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है, ए इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है 1500 ml। नेक्स्ट बात करेंगे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये सारा देखो, टाइडल वॉल्यूम पता है, इंस्पिरेटिविज्म वॉल्यूम पता है, ये पता है, चारों के मतलब आपको पता है, चारों में समझा चुकी हूं, इनकी वॉल्यूम आपको याद होनी चाहिए, अब तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। बाकी इसका आंसर हमारे पास होगा बी, ठीक है, आपको सिंपली मैच कर लेना। देखो बी में यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, देखो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 से 550, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, और रेसिड्यूअल अपना कितना होगा 1100 से 1200, ठीक है। तो सिंपल मैच द फॉलोइंग था, बिल्कुल आपकी जो है लर्निंग के ऊपर बेस है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, सिक्स क्वेश्चन की, जो लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक से बनी होती है द एल्वियोली, जिनको हम क्या बोलते हैं एल्वियोली, ये कभी भी कोलैप्स नहीं होती इवन फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास है डी, रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो ये क्या होता है, जो वॉल्यूम है एयर की जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहे इवन एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद भी, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि प्रिवेंट करती है किसकी कोलैप्सिंग को, एल्वियोली की कोलैप्सिंग को, ठीक है भाई। एक टर्म होती है, मैं उसके बारे में और इससे रिलेटेड आपको कुछ बता देती हूँ, ये तो आपको समझ आ गया क्योंकि मैं आपको पहले रेसिडुअल वॉल्यूम बता दिया था मैंने आपको, कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी भले ही आप करते हो इस सांस में कि आपने सारी जो एयर है वो रिलीज कर दी है, लेकिन आपकी लंग्स में कुछ ना कुछ जो एयर है वो बचती है, जिसकी वजह से ही एयर कभी भी लंग कोलैप्स्ड नहीं हो पाती, क्योंकि अगर बिल्कुल एयर नहीं बची वो ड्राई आउट होकर कोलैप्स हो जाएंगी लंग्स, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब एक इससे कोलैप्सिंग से रिलेटेड एक डिसीज है यहाँ पे, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी है, इसका नाम होता है एटीलेक्टेसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लीट या फिर पार्शियल कोलैप्स, कंप्लीट या फिर पार्शियल कोलैप्स ऑफ एंटायर लंग, कंप्लीट या फिर पार्शियल कोलैप्स जो होता है एंटायर लंग का, या फिर उसका एरिया जो होते हैं लोब्स होते हैं जो कि लंग के, ठीक है, उनका कोलैप्स होना, वो कंप्लीटली भी हो सकते हैं मतलब पार्शियली भी हो सकते हैं। देखो ये कब होता है, जब जो टाइनी एयर सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या एल्वियोली, क्या बोलते हैं जिनको एल्वियोली, एक मिनट, लंग्स के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन लंग्स, वो क्या हो जाए डिफ्लेटेड हो जाए, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पॉसिबली फिल्ड विद एल्वियोलर एयर, ठीक है, मतलब उनके अंदर जो है एल्वियोलर फ्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिफ्लेटेड हो जाए बिल्कुल। तो एटीलेक्टेसिस एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है जो आफ्टर सर्जरी होती है, मतलब हो सकता है। तो एटीलेक्टेसिस बेसिकली आपको इतना याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो हमारे को दे नहीं रखा, कि कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स जो होता है एंटायर लंग का या एरिया ऑफ लोब का, उसको बोलते हैं एटीलेक्टेसिस, ठीक है, जस्ट उसका नाम। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है सिक्स का डी। सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये फिगर जो है ये क्या शो कर रही है, एक डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके पास लेबल है ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो कि एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे और मेन फंक्शन एंड ऑफ मतलब जो मेन फंक्शंस बताए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे वो हमें यहां पे बताना है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं सॉरी, ताकि आपको ऑप्शन दिख पाए। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, जो यहाँ पे ये सी दे रखा है,
एल्वियोली थे मतलब यहाँ पे क्या है सी एल्वियोली थिन वॉल्ड, इसका बी है ना, हाँ ए बी सी डी, ये डी है लेकिन यहाँ पे ए बी सी कहाँ है, शायद ये यहाँ पे डायग्राम में देना भूल गए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तो डी तो दे दिया, डी तो बिल्कुल गलत है, डी क्या दे रखा है इन्होंने, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एक मिनट, एल्वियोली थिक, तो देखो बेसिकली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है जिसको मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, खैर आप इतना समझो कि सी एल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, तो एक ये करेक्ट स्टेटमेंट देख लो कि एल्वियोली यहाँ पे दे रखा होगा कहीं पे ऑप्शन होगा, ठीक है ये एल्वियोली जो हमारी होती है एल्वियोली, तो इसमें क्या होता है थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, आप जानते हो एल्वियोली क्या होती है, एल्वियोली को साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बोला जाता है, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेज आ गया और जानवेली का नाम आ गया, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास क्या इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे एट्थ क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट मतलब निकाल करनी, कॉन्शियस एफर्ट लगाकर, ठीक है इनमें से कौन सा एक पॉसिबिलिटी है हम मतलब मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस इन मतलब ब्रीदिंग के रिगार्ड में, अब वो बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भाई बी है, देखो वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ, अब देखो क्या होता है यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट होती है, कनेक्ट करती है मिडल एयर कैविटी को, आपने ये चीज थोड़ी सी पढ़ी भी होगी, यूस्टेचियन ट्यूब्स जो है ईयर्स में प्रेजेंट होती है वो कनेक्ट करती है किसको, मिडल ईयर कैविटी को, मिडल ईयर कैविटी को जिसका नाम क्या होता है टिम्पैनिक कैविटी भी हम उसको बोल सकते हैं, विद नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स क्या होता है जो हमारी नेसल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में जो एक पैसेज होता है उसको बोलते हैं हम नेसोफेरिंक्स, ठीक है ये अप्रोक्सीमेटली 35 mm लॉन्ग होता है अडल्ट में, अगर अडल्ट में बात करूं तो 35 mm का होता है ये स्टेशन ट्यूब अडल्ट में, ठीक है जो हेल्प करता है ब्रीदिंग आउट करने में, अगर आप बाय क्लोजिंग बोथ अगर आप दोनों नोज को और माउथ को बंद कर दोगे तो उस दौरान भी आपका क्या है जो ब्रीदिंग में मदद करेगा वो कौन है, यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में, विदाउट ऑक्सीजन के बिना गलत है, ठीक है ये करेक्ट है हमारे पास, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन, नहीं बिल्कुल गलत है भाई, आपके हाथ में थोड़ी है ये तो क्या बोलते हैं इसको इनवॉलेंट्री प्रोसेस है भाई, आपके हाथ में नहीं है, वॉलेंट्री वो होता है जो हमारे विल में हो, जैसे हमारी मूवमेंट है हाथों की पैरों की हमारे विल में है, हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं मसल्स को, क्या आप अपने दिल को अपनी मर्जी से धड़का सकते हो, हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सक्रेटरी वो जो अपना क्या बोलते हैं उसको सर्कुलेटरी हो गया, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो अंदर प्रोसेसेस होते हैं उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ये तो गलत है भाई, कॉन्शियसली नहीं आएगा। नेक्स्ट है जो लंग्स है कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाय फोर्स, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा हो गया तो लंग्स कोलैप्स हो गई और समझो इंसान मर गया, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगी इतने वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा, हो सकता है उसकी मौत हो जाए, कुछ कंडीशन में हो सकता है बच जाए, ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन की, देखो क्या दे रखा हमें, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज होता है बॉडी टिश्यू से ब्लड में, जो काफी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी टिश्यू से रिलीज होके ब्लड में हो जाता मतलब ब्लड में चला जाता है इस प्रेजेंट एज मतलब किस फॉर्म में जाता है ये बताना है, ठीक है करेक्ट ऑप्शन है भाई इसका ए, बायकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज, देखो जो 70-75% वो होता है हमारा क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ 70-75% ऑफ CO2 वो ट्रांसपोर्ट होता है एज अ प्राइमरी बफर ऑफ बायकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 की फॉर्म में इन ब्लड प्लाज्मा, कहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है जब CO2 डिफ्यूज हो जाता है टिश्यू से ब्लड में, देन इट इज एक्टेड अपॉन द बाय द एंजाइम, एंजाइम के द्वारा काम किया जाता है इसके ऊपर जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज,
क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि प्राइमरी ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70-75% जो है ब्लड प्लाज्मा में रिलीज होता है एंड आरबीसी ठीक है इनमें होता है। फ्री सीओ टू इन ब्लड प्लाज्मा, फ्री सीओ टू नहीं होता भाई, बाउंडेड होता है हमेशा, बाउंडेड होता है जैसे यहाँ पे बाइकार्बोनेट ठीक है, बाउंडेड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, 30% बाइक, नहीं ये गलत है भाई, 70-75% तो हमारे पास ये होता है बाइकार्बोनेट, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं ये गलत है, आरबीसी में ये नहीं होता, ये यहाँ पे आरबीसी में होता है बाइकार्बोनेट वाला। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की जो कि हमारे पास क्या है, लिस्टेड बिलो आर फोर, चार रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दे रखी है ठीक है, जंबल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दे रखी है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है, वही मैंने आपको पीछे बताया। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में, तो वो आपको बैठकर याद कर लेनी है एक बार ताकि आप अच्छे से यहाँ पे इनको सोल्व कर पाओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन में डायरेक्ट आपको बता देती हूँ 10th का क्या होगा, सी, सी इसका करेक्ट मैचिंग है, यानी कि फोर्थ जो है सी बताया मैंने, फोर्थ यानी जो 3500 ml है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटी, दो कैपेसिटी और दो वॉल्यूम का करेक्ट मैच, ये 3500 वाला करेक्ट है और ये फर्स्ट 1200 वाला करेक्ट है। यहाँ पे एक ये कौन सा करेक्ट है अपना, फोर्थ एंड फर्स्ट 1200 ml ठीक है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, सी। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन, जो मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन किस फॉर्म में, मेजोरिटी में वो बताना है। तो देखो भाई बायकार्बोनेट अभी पीछे बताया था 70-75%, तो अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि देखो जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफी ईजी होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। मैंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मच ईजियर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर सोल्युबिलिटी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की हायर सोल्युबिलिटी की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन की वजह से, इस कारण ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को इजिली नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई वो ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा में, डिसॉल्व्ड स्टेट में कितना, 7% ठीक है, डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, और जो 23% बच गया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, 7% इन, यहाँ पे CO2 की बात हो रही है भाई, डिसॉल्व्ड स्टेट में इन प्लाज्मा ठीक है। और जो 23% हमारे पास है, 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसकी फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ठीक है, कार्ब अमीनो HB समझ जाना, हीमोग्लोबिन। और जो 70% CO2 है वो हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है बाय कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, तो CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ प्लाज्मा में ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, जो क्वांटिटी है यानी 1500 ml जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट में रेफर्स टू, क्वांटिटी 1500 ml, हाँ ये बताने की 1500 ml किसकी होती है भाई। देखा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो देखो वॉल्यूम के ऊपर तो काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ याद रखना। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम का होता है 1500 ml, जो अपना जो है टोटल वॉल्यूम होती है एयर की, जो वो क्या होती है, जो एक्सपेल कर सकते हैं हम लंग से एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद ठीक है, और एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमम तक, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब बेसिकली ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगी, इसकी वॉल्यूम बतानी थी, रेसिडुअल वॉल्यूम की होती है 1500 ml। नेक्स्ट है एयर इज ब्रेथ्ड थ्रू, अब मतलब सीरीज में स्टेप बताने, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, बेसिकली हमारे पास क्या होगी भाई, सी करेक्ट है। देखो सबसे पहले पाथवे जो होता है इनहेल्ड एयर का वो होता है नोज स्टील, नोज स्टील से वो जाता है फेरिंग्स में, यानी फेरिंग्स होता है भाई कॉमन पैसेज जो होता है ना हमारे फूड और एयर का, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फिर वो जाता है लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया क्या होता है, जो विंड पाइप होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया होती है विंड पाइप, फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर ठीक है, ये होता है। और ब्रोंकाई जो होती है 2 for each side लंग, ये ब्रोंकाई जो होती है दो होती हैं, मतलब प्रत्येक लंग के लिए, ईच लंग के लिए 2 for each
साइड लंग्स. और ब्रोंकाइल्स क्या होते हैं, ये जो एल्वियोलर डक्ट होते हैं ना उसको राइज देते हैं, यानी ब्रोंकाइल्स आएगा. उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, एल्वियोली. एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज साइट होती है गैसेस की, किसकी फॉर्म में, स्मूथ सैक्स या फिर पाउचेस की फॉर्म में. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आया, सी आया. और ये मैं आपको एक बार जो है अच्छे से डिटेल में भी मैं बता दूंगी आपको. तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के बता रही हूँ, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. देखो देखो, ये मैंने बना दिया इसका डायग्राम. अब लेबलिंग करते हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि कैसे क्या प्रेजेंट होता है. देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है नेसल पैसेज. ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या, नेसल पैसेज. और यहां पे ये पीछे क्या होगा, ये होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेयर्स. नेयर्स भी इनको बोला जाता है. ठीक है, ये पीछे ये जो होता है, इनके बीच में ये होता है नेसल सेप्टम. ठीक है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पैलेट. ठीक है, इसको ये बोला जाता है. ये होता है माउथ. ठीक है, और ये जो होता है भाई, ये आप पहले भी आपने सुना होगा, ये होता है एपिग्लोटिस. ठीक है, और ये होता है ग्लोटिस, और ये होता है क्या, ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप. ये एपिग्लोटिस, ये ग्लोटिस. देखो, एपिग्लोटिस क्या होती है, इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप होती है. क्या होती है ये, इसी से लिख देती हूं, इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप होती है ये. और एपिग्लोटिस क्या करता है, देखो, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, जो जब हम खाना खाते हैं और उसको स्वेलो करने के टाइम पे जो एपिग्लोटिस है वो कवर हो जाता है. ये जो एपिग्लोटिस होता है ये कवर्स, ये जो ग्लोटिस है इसको कवर कर लेता है. देखो, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने खाना खाया, अब स्वेलोइंग का टाइम आ गया. ये ट्रैकिया क्या है, ये हमारी सांस की नली है. ठीक है, यानी खाने की नली, विंड पाइप है. एपिग्लोटिस क्या करेगा, इस ग्लोटिस को कवर कर लेगा ताकि जो खाना है वो इस ट्रैकिया में ना जा पाए. आपने सुना होगा कई बार, या आपके साथ ऐसा हुआ भी हो, जब आप खाना खाते हो तो ये बोल देते हैं कि भाई आपको मतलब एकदम से खांसी आती है, और मतलब बहुत बुरा जो है मतलब कुछ हो जाता है, फंस जाता है कहीं पे. तो आप ये कहते हो कि भाई शायद गलत नली में खाना चला गया. वो सांस की नली होती है. जब आपको फिर खांसी आती है, बुरी तरीके से सांस लेने एक दूसरे दिक्कत हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर नहीं कर पाता अच्छे से, और वो जो खाना है वो ट्रैकिया में पहुंच जाता है. तो इस वजह से यहाँ पे एपिग्लोटिस का काम होता है ताकि ये कवर करके रखे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पीछे जो ये पोर्शन होता है, ये मैं आपको पिंक से दिखा रही हूं. जितना भी ये पोर्शन होता है, ये देखना, ठीक है, जितना भी ये पोर्शन होता है, ये जो मैंने राउंड किया है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स. ये होता है भाई, ये पूरा रीजन होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर. फूड के लिए ये रहा, एयर के लिए ये रहा, तो ये कॉमन पैसेज तो हो गया ना दोनों के लिए यहां तक. तो ये कॉमन पैसेज है, फूड के लिए ये रहा, एयर के लिए ये रहा. तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है, ये होता है भाई, ये जो होता है इसको बोलते हैं यूवुला.
या फिर इसको बोल सकते हैं वेल्वम पेलेटी. ठीक है, ये क्या होता है, देखो जब स्वेलिंग का टाइम आता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग इट लिफ्ट अप, ये जो है क्या हो जाता है, लिफ्ट अप हो जाता है, ऊपर की साइड हो जाता है एंड कवर इंटरनल लेयर्स और इंटरनल नोज स्ट्रिल्स या नियर्स को ये कवर कर लेता है, इसको कवर कर लेता है ताकि जो खाना है वो नाक के जो ये नियर्स हैं दो इंटरनल नोज स्ट्रिल्स इसके अंदर ना जाए और मतलब कोई जो है सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो. देखो एपिग्लोटिस का काम होता है ट्रैकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करना. यहाँ पे एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेगा, यूवुला एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल नियर्स को कवर कर लेगा, तो खाना अब कहाँ जाएगा, दोनों यहाँ पे जहाँ पे जा सकता था वो दो रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए हैं, अब रास्ता सिर्फ एक ही खुला है जो कि हमारे एक गलट होता है, इसको बोलते हैं गलट, और ये होता है ओस्फेगस. ओस्फेगस का मतलब होता है क्या, फूड की पाइप, ओस्फेगस यानी और फूड पाइप. तो अब खाना कहाँ जाएगा, हमारी ओस्फेगस में जहाँ पे जाना चाहिए, ये होती है विंड पाइप. तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम ये समझा दिया, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, दोबारा यहीं पे देख सकते हो आप रोक कर इसे. तो अब बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, क्या है, देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस अकर्स इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है वो किसमें होता है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका आरबीसी है. जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, जिंक कंटेनिंग क्या होता है, ये एंजाइम जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है. इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो एक और बात बता देती हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो हमारे रेनल टिश्यूज होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं उनमें, और मतलब और भी इसकी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रोक्सीमल ट्यूबुल हो गई वो रिस्पॉन्सिबल होती है एटलीस्ट 80% जो पूरी किडनी का बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है उसमें प्रोक्सीमल ट्यूबुल का काम होता है. एंड इस मीडिएटेड बाय वो भी किसके द्वारा काम होता है, प्रोटोन के सिक्रेशन के द्वारा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के ऊपर. तो बेसिकली आपको इतना जानना था कि ये आरबीसी में होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, स्किन एक एसेसरी ऑर्गन इनमें से कौन से का है ये बताना. तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, फ्रॉग का है. फ्रॉग के पास लंग्स इसके एज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के दौरान, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है भाई, देखो इनका पर्टिकुलर गर्मियों में और सर्दियों में ऐसा टाइम पीरियड आता है जिस दौरान, मतलब ये बेसिकली इनका रेस्टिंग फेज जो होता है, ये बाहर नहीं निकलते उस दौरान. ठीक है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की स्टेट, एक समर में एक विंटर में होती है. वेन इन वाटर, और जब ये वाटर में होते हैं तो किसके द्वारा रेस्पायर करते हैं, स्किन के द्वारा, यानी कि ये जब हाइबरनेशन में हो, जब एस्टिवेशन में हो, जब पानी में हो, तो ये अपनी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, अदरवाइज इनके पास अच्छे खासे लंग्स होते हैं एज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी. नेक्स्ट है एल्वियोलर एपिथीलियम इज द इन द लंग्स, जो एपिथीलियम होते हैं लंग्स में वो कैसे होते हैं. करेक्ट ऑप्शन भाई इसका नॉन सीलिएटेड होता है. नॉन सीलिएटेड क्यों होते हैं, देखो जो वेरी थिन एल्वियोलर वॉल जो होती है, मतलब वेरी थिन एल्वियोलर वॉल वो कितनी होती है, मतलब अबाउट 0.0001 mm की होती है इस मतलब, और वो किससे कंपोज होती है, मोइस्ट नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथीलियल सेल से. क्या बोला मैंने, मोइस्ट नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथीलियल सेल्स. ठीक है, तो ये होता है करेक्ट ऑप्शन इसका बी है. इंटरकोस्टल मसल्स अकर इन, इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है आईसीएम जिसका नाम है, वो किसमें होते हैं, मैंने बताया था रिब्स में स्टार्टिंग में बता दिया था. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आर लंग्स. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है भाई, डी करेक्ट ऑप्शन कर दिया. टोटल लंग कैपेसिटी माइनस, मतलब ये वही है भाई, आप टोटल लंग कैपेसिटी में से माइनस कर दो रेसिडुअल वॉल्यूम, आपके पास आ जाएगी क्या, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी. तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा बी. बी रॉन्ग है इसकी, देखो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि हायर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या करती है, फेवर करती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन को फेवर करती है. ठीक है, फॉर्मेशन नहीं, डिसोसिएशन को फेवर करती है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन.
और मतलब किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टिश्यूज में। एल्वियोली में बात करूँ तो जो हाई पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का और लो एच प्लस कंसेंट्रेशन और लो टेम्परेचर, वो किसकी फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बी, ठीक है। जो यहाँ पे हायर नहीं है, यहाँ पे लेसर आना चाहिए, लेसर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, क्योंकि सिर्फ हाई सिर्फ किसकी होनी चाहिए ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, बाकी तीनों फैक्टर जो होते हैं वो कम होने चाहिए, तब हमारी फॉर्मेशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। अगर भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, CO2 का ज्यादा होगा, ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होंगे और ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस दौरान डिसोसिएशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की, व्हेन यू होल्ड, जब आप अपनी ब्रेथ को यानी सांस को रोकते होल्ड योर ब्रेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस, कौन सी गैस जो है चेंज हो जाती है ब्लड में, वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीद, विच मतलब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस इसमें से ब्लड में चेंज हो जाएगी, वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू, और एक मतलब आप सांस रोक के देखो एकदम से आपके अंदर ये अर्ज होती है कि भाई अब तो सांस लेना अब नहीं रुका जा रहा, किस रीजन से, मतलब कौन सी गैस की वजह से होती है, कौन सी गैस की एक्सचेंज की वजह से होती है ब्लड में, वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन, ऑब्वियसली आप सांस रोकोगे तो कंसेंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं मेड्यूला में, मेड्यूला रीजन जो होता है उसमें कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, गेट स्टिम्युलेटेड बाय इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड, किसकी, ब्लड ऑफ आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें कंसेंट्रेशन बढ़ती है CO2 की। अगर वहां पे डिक्रीज इन ऑक्सीजन, जो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी है तो ऑक्सीजन की कम होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हैज नो सिग्निफिकेंट, मतलब अगर यहाँ पे कीमोरिसेप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सिर्फ वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि वहां पे सिर्फ ये एक्टिविटी हो रही है कि भाई कम हो गई ऑक्सीजन, उसका जो इफेक्ट पड़ा है वो इस वजह से हुआ है कि इंक्रीज हुई, देखो ये तो ऑटोमेटिक है भाई, इंक्रीज अगर कार्बन डाइऑक्साइड हुई है तो कम हुई है किसकी कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की, लेकिन मेजर रीजन ये नहीं है जिसकी वजह से अर्ज पैदा हो रही है, प्राइमरी रीजन ये है, और कीमोरिसेप्टर सिर्फ उसी चीज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसी चीज के जो है अगेंस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वहां पे भाई इंक्रीज हो गई है किसकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, जिस वजह से एक अर्ज होती है कि अब और सांस नहीं रोका जा सकता, ठीक है, उसकी वजह से होती है, यानी कि राइजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, ये शायद तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन आया है, बाय कार्बोनेट आयन, ठीक है, तीसरी चौथी बार ये हमारे पास आया जो कि हम कर चुके हैं। फिगर शोन स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद लेवल्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेवल एज गिवन, ये हमें दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन इसका हमें बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई बी है, सी जो है यहाँ पे वेनाकावा होगी, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से, ये वेनाकावा होती है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ओरिकल, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड लेकर जाकर ये जो है राइट ओरिकल में ट्रांसफर कर देती है, मतलब वहां पे इसको रख देती है, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 45 mmHg होता है, इसके बारे में यही करेक्ट है। यहाँ पे देखो ए की बात करूं, यानी कि ए जो है ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं होती भैया, यहाँ पे पल्मोनरी वीन होती है, तो ये गलत है, आर्टरी नहीं आएगा यहाँ पे इस साइड पर, तो इस वजह से जो आपको ये डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में उसको भी काफी अच्छे से आप पढ़ लें, याद रख लें कि ये प्राइम उसकी पल्मोनरी वीन होती है जो कि प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है, मतलब विच टेक्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, बी जो है यहाँ पे, बी क्या है, डोर्सल ओर्टा होती है, एक मिनट ये सही था, एक मिनट ये बी की बात हो रही थी यहाँ पे, एक मिनट, पल्मोनरी वीन टेक्स इम्प्योर नहीं आएगा भाई, प्योर आएगा, मैंने ऊपर समझ लिया वो, ये को प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू, ये ठीक है, बी क्या है यहाँ पे हमारे पास, बी डोर्सल ओर्टा है, बी क्या है, डोर्सल ओर्टा है, ये क्या है हमारी, डोर्सल ओर्टा, ये बी, क्या काम होता है इसका, जो कि प्योर ब्लड को हार्ट से बहुत सारे मतलब जो वेरियस बॉडी पार्ट्स है उस तक लेकर जाती है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू
वेरियस बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे वेरियस बॉडी पार्ट आएगा वैसे भी. सी जो है वेना कावा होती है, जो इम्प्योर ब्लड को बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स है उनसे उठाकर राइट ओरिकल में, हार्ट के राइट ओरिकल में ले जाती है. डी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी. डोर्सोलोटा नहीं होती, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, यानी उल्टा दे रखा है, ये होती है हमारी क्या, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, इसका क्या काम होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग तक लेकर जाती है. ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं किसका क्या है. 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है ये जो फिगर है गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग. छोटा पार्ट दे रखा है किसका, ह्यूमन लंग का, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो द वन पार्ट ए बी सी डी और करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद दिस फंक्शन. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है. बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए जो है एल्वियोलर कैविटी होती है, यानी कि मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है, ये होता है. अब मैं आपको जो है इसकी लेबलिंग कर देती हूँ यहाँ पे, यहीं पे इसी डायग्राम में. यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं. देखो ये बात करूं मैं, ये होता है यहाँ पे ए, ये होती है एल्वियोलर कैविटी, जिसका फंक्शन यहाँ पे लिखा भी हुआ, मेन साइट होती है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस की. ठीक है, अब मैं बात करूं ये बी, ये यहाँ पे ये क्या होता है, अंदर की साइड हमारा जो होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये होते हैं नेटवर्क, होता है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ये होती है इसकी भाई आउटर लेयर, आउटर लेयर ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसकी बनी होती है ये आउटर लेयर, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या, ये जो होते हैं अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे ऐसे ये कुछ लगे होते हैं. ठीक है, ये सेल्स, इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसका क्या नाम होता है, न्यूमोसाइट टाइप वन, न्यूमोसाइट टाइप वन इसका नाम होता है. क्या काम होता है इसका, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ऑब्वियसली एल्वियोलर कैविटी में है तो गैसियस एक्सचेंज में क्या है, हेल्प करते हैं. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे ऐसा ये बड़ा सा ऐसा होता है ये टिश्यू, ये होता है न्यूमोसाइट टाइप टू, न्यूमोसाइट टाइप टू होता है. ये जो है गैसियस एक्सचेंज में मदद नहीं करता, बल्कि जो एल्वियोलर फ्लूड होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये ऐसा, ये इसके सिक्रेशन में मदद करता है. किसके सिक्रेट करता है ये, किसको, ये जो यहाँ पे एल्वियोलर फ्लूड प्रेजेंट होता है ना उसको सिक्रेट करता है. ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होगी, अब मैंने आपको आउटर बता दी, तो यहाँ पे हमारे पास होती है इसे लगती बिल्कुल इनर लेयर, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है और एज अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये काम करती है. तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता दिया है. न्यूमोसाइट टाइप टू जो है वो मैं आपको बता दूं कि कम होती है नंबर में और क्यूबॉइडल होती है और एक एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24th की, क्या दे रखा है, एक लार्ज प्रपोर्शन है ऑक्सीजन का इज लेफ्ट अनयूज्ड. लार्ज एक काफी अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसको हमने अनयूज्ड लेफ्ट कर दिया इन द ह्यूमन ब्लड में, इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यूज, और किसके बावजूद, जब उसका अपटेक हो चुका है बॉडी टिश्यूज के द्वारा दिस ऑक्सीजन. इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज, देखो एक लार्ज पोर्शन जो है ऑक्सीजन का वो अनयूज्ड लेफ्ट हो गया है ह्यूमन ब्लड में इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू. ये ऑक्सीजन एक्ट करता है एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज. रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज का क्या मतलब है भाई, जब भी आप कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हो, वर्कआउट करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन यूज में आता है, उस स्ट्रेस की कंडीशन में जो ऑक्सीजन यूज में आता है वो होता है ये वाला. ठीक है, अपना ये जो अनयूज्ड बचा था, तो उस दौरान कौन सा यूज आता है, ये वाला. तो बस इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया. 25th की बात करेंगे, विच
टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, इनमें से कौन से दो चेंजेस जो है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो नहीं कितने भी हो सकते हैं, ए टू डी, यूजली टेंड टू अकर इन, यूजली कहाँ पे होते हैं, प्लेन ड्वेलर के साथ, जबकि वो जब वो लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड यानी कि जो मतलब काफी ऊंची जगह होती है, ऊंचे पहाड़ होते हैं, जहाँ पे क्या होता है प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे कम होता है, यानी कि 3500 मीटर या उससे ऊपर तक, तो क्या होता है उस कंडीशन में, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, सेकंड और थर्ड। ब्लड सेल के प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि वो जो मतलब उस दौरान जो है बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है कि भाई ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वहां पे उस दौरान क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे जो बॉडी है वो न्यूमेरियस चेंजेस अंडरगो करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, वो ऑक्सीजन क्या में भाई ऑक्सीजन कम पहुंच पा रहा है, तो बॉडी बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं, वो क्या चाहती है कि भाई वो अच्छा खासा ऑक्सीजन जो है अपने सेल्स तक डिलीवर करे और इम्प्रूव करेगी, और क्या काम करती है, इम्प्रूव करती है एफिशियंसी ऑक्सीजन यूसेज की, तो जो अर्ली चेंजेस इंक्लूड करते हैं वो क्या क्या है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली एंड फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो ब्रीदिंग बिकम्स, जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ब्लड में तो ब्रीदिंग के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, वो फास्टर और डीपर हो जाती है, देखो जो ब्रीथिंग है, जो ब्रीदिंग है वो बिकम्स फास्टर एंड डीपर इन ऑर्डर टू ऑक्सीजनेट, क्यों, ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड को एक फास्ट रेट पे, तो शैलो और स्लो ब्रीदिंग अकर्स ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ये जो शैलो है ये रेस्ट के दौरान होती है, ठीक है, ये रेस्ट के दौरान होती है शैलो और स्लो हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी एंड ऑफ कार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमें जो प्रोसेस होता है माइग्रेशन का क्लोराइड आयन से प्लाज्मा तक, मतलब क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से लेकर आरबीसी तक, क्या बोला मैंने, प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन क्लोराइड आयन का माइग्रेशन प्लाज्मा टू आरबीसी और कार्बोनेट आयन्स का आरबीसी से प्लाज्मा इज, उसको क्या बोलते हैं हम, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है ए, क्लोराइड शिफ्ट उसको बोला जाता है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के दौरान ब्लड के थ्रू जब वो होता है बायकार्बोनेट आयन जो है डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, आरबीसी से बाहर निकलाते हैं, ठीक है, जो आरबीसी होती है बायकार्बोनेट आयन उससे डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, जबकि जो क्लोराइड आयन है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए, जो उसका आयनिक इक्विलिब्रियम होगा उसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। मैंने क्या बताया एक बार फिर सुनो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के दौरान यानी कि जो ब्लड से होता है जो बायकार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो क्लोराइड आयन होते हैं वो प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर कर जाते हैं, क्यों एंटर करते हैं, मेंटेन करने के लिए, जो एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू, अगर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन के कारण इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका डी है, ब्रेन होता है, ब्रेन जो है एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन होता है, यह फंक्शनिंग ही स्टॉप कर देगा ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है। देखो जो ब्रेन डेथ होती है वो एक लीगल डेफिनेशन होती है डेथ की, ये बोल देते हैं कि भाई दिमाग मर गया, ब्रेन डेथ अगर मतलब ब्रेन डेथ जो बोलते हैं उस लीगल डेफिनेशन डेथ की वही होती है, ये कंप्लीट स्टॉपिंग हो जाती है ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन और कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम और सीरियस ट्रोमा या इंजरी के कारण ब्रेन में जो होती है जो बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन तक वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, यानी ब्रेन तक जो है ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता और जो ब्रेन वो मर जाता है, तो ब्रेन डेथ क्या होती है, डेथ ही होती है और वो परमानेंट होती है भाई, ब्रेन डेथ इज डेथ एंड इट इज परमानेंट, सो ये याद रखना आपको, तो ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोली में ऑफ लंग्स टेक्स प्लेस बाय वो किसके द्वारा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सिंपल डिफ्यूजन, जो गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में और एल्वियोलर एयर के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ठीक है, उसके अक्रॉस अकर्स बाय वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, जो भी और भी जो हमारी कंसर्न्ड गैसेस होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर पे ब्लड में और एल्वियोलर एयर पे भी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए है। एल्वियोली ऑफ द लंग्स द एयर एट द साइट ऑफ एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड बाय, जो एल्वियोली होती है लंग्स की, तो जो एयर होगी साइट
साइट ऑफ गैस एक्सचेंज में वो सेपरेट हो जाती है ब्लड फ्रॉम द ब्लड बाय कौन किससे सेपरेट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी। एल्वियोली जो है साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, आप जानते हो। तो ऑक्सीजन जो होगी एल्वियोलर एयर से डिफ्यूज हो जाएगी एल्वियोलर एपिथीलियम के द्वारा, ठीक है, और जो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है कैपिलरी ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ये है। नेक्स्ट बात करेंगे 31st क्वेश्चन की। ऑल्दो मच CO2 इज कैरीड इन ब्लड, ऑल्दो जो बहुत सारा CO2 है वो ब्लड में कैरी किया जाता है, येट ब्लड कभी भी एसिडिक नहीं बनता, क्यों ब्लड एसिडिक नहीं होता, क्या ऑप्शन क्या आंसर है इसका, बी। देखो जो CO2 है वो RBC में एंटर करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे कर लेते हैं, CO2 RBC में एंटर करता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है क्या बनाने के लिए, डिसोसिएट यानी टूट जाता है आयंस में, बायकार्बोनेट बनाने के लिए और हाइड्रोजन के आयंस बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ बायकार्बोनेट आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे इन अरिथ्रोसाइट में, ठीक है, यानी RBCs में, और कुछ डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड प्लाज्मा में, जो ये आयंस बने हैं कुछ तो जाएंगे भैया अरिथ्रोसाइट में यानी रेड ब्लड सेल्स में, कुछ चले जाएंगे प्लाज्मा में, डन, यहां तक समझ आया। तो एग्जिट ऑफ बायकार्बोनेट आयन, जो एग्जिट होता है बायकार्बोनेट आयन का, वो क्या चेंज कर देता है, जो आयनिक बैलेंस होता है प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट के बीच का, तो इसको रिस्टोर करने के लिए, इस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए जो क्लोराइड आयन होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम प्लाज्मा इनटू एरिथ्रोसाइट, तो इसी वजह से जो pH है ब्लड का वो हमेशा क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो ब्लड बफर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है CO2 के ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड के थ्रू टू लंग्स एस, किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड एस कार्बनिक एसिड, आप जानते हो ये पढ़ चुके हैं हम, कई बार पढ़ लिया अब तो हमने, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है हीमोग्लोबिन का वो कैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो भाई वो सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड कैसा होता है देखो, ऐसा जो होता है वो उसको बोलते हैं हम सिग्मोइड, ठीक है, ऐसा कर्व होता है उसका, या आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से रेस्पिरेटरी सर्फेसिस पे बाय ओनली, किसके द्वारा होता है सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन वो बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट होता है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रेस्पिरेटरी टिश्यू से लंग्स में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, तीन स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है भाई डिसॉल्वड स्टेट में या फिर फिजिकल सॉल्यूशन के द्वारा, दूसरा होता है कि बायकार्बोनेट आयंस जो कि मैंने बताया था 70-75%, एक होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, मतलब इन तीनों से, और करेक्ट ऑप्शन क्या है प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट दोनों में होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बोन एलर्जेंस के इंक्रीज के कारण और पोल्यूटेंट के इंक्रीज के कारण बहुत सारे जो पीपल अर्बन एरियाज में यानी शहरी एरियाज में पोल्यूटेंट होते हैं जो पोल्यूशन कोज करे और आर सफरिंग होम, किससे सफर कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू, वीजिंग अब किसका लक्षण है, ठीक है, वीजिंग किस वजह से होती है ये बताना है, करेक्ट ऑप्शन भाई ये बी है इसका, इन्फ्लेमेशन जो होती है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में उसकी वजह से। अब मेरी बात सुनो, अस्थमा जो एक एलर्जी कंडीशन होती है जिसमें कि सांस लेने में दिक्कत होती है और एक वीजिंग साउंड आती है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है, अगर आप खुद भी वीजिंग होता है, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एबनॉर्मल सी साउंड प्रोड्यूस होती है सांस लेते टाइम, किसकी वजह से होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है, इस वजह से ये होता है और इट कैन बी ड्यू टू, और ये किस वजह से हो सकता है भाई, जो एयर बोर्न एलर्जेंस है उसके इंक्रीज होने से, पोल्यूटेंट्स के इंक्रीज होने से, बहुत से पीपल जो अर्बन एरियाज में सफर करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, कौन सा पार्ट जो है पॉपी प्लांट का यूज किया जाता है, क्या ऑप्टेन करने के लिए, ड्रग स्मैक, जो स्मैक होती है आपने सुना भी होगा, उसको ऑप्टेन करने के लिए कौन सा पार्ट जो है पॉपी प्लांट का यूज किया जाता है, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लेटेक्स। जो स्मैक होती है उसको हम ब्राउन शुगर या हीरोइन भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो, क्या बोला जाता है इसको, एक मिनट, ब्राउन शुगर और हीरोइन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्म्ड होती है, कैसे फॉर्म्ड होती है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फाइन जो होता है ना उसके एसिटाइलेशन से, ये प्रोसेस होता है एसिटाइलेशन, और मॉर्फाइन जो होता है
उसके एसिटाइलेशन से जो है मिलती है, ऑप्टेन करी जाती है. ये यूज्ड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम, ये जो लेटेक्स होता है अनराइप, यानी अनराइप होता है जो बिना पका हुआ कैप्सूल होता है पोपी प्लांट का, यानी पेपेवर सोमनीफेरम जिसका नाम होता है पेपेवर, इसका साइंटिफिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम. ठीक है, जो उसका अनराइपन्ड कैप्सूल होता है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, लेटेक्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा है. एसटीज आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई सिलिकोसिस. देखो सिलिकोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज होती है जो कि कब होती है, एक्सेस इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट. सिलिका डस्ट के ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इनहेलेशन के कारण ऐसा होता है. वर्कर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये सिलिकोसिस. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम 38th क्वेश्चन की. नेम द क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम बताना है जो कि सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा होते हैं, मेनली सिगरेट स्मोकिंग जिसका कॉज होता है. तो एम्फिसाइमा इसका करेक्ट ऑप्शन है. एम्फिसाइमा जो होता है वो रिजल्ट करता है व्हेन द जो डेलिकेट लाइनिंग जो होती है एयर सैक्स की, जो लाइनिंग्स होती है डेलिकेट लाइनिंग्स लंग्स में, वो क्या हो जाए, डैमेज्ड हो जाए. डैमेज इतनी ज्यादा हो जाए कि रिपेयर ही ना हो पाए फिर. ठीक है, रिपेयर ही ना पाए. मोस्ट कॉमनली जो टॉक्सिन है सिगरेट स्मोक के, क्रिएट करते हैं इस डैमेज को. एम्फिसीमा को स्मोकर्स डिसीज भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है स्मोकर्स डिसीज. नेक्स्ट है, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज ड्रास्टिकली कम हो जाए ड्यू टू डैमेज इन एल्वियोलर वॉल. देखो ये जो दोनों क्वेश्चन हमारे पास अभी आए हैं एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज, इसकी लाइन भी दे रखी है ऐसी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भैया एम्फिसीमा ही होता है. डिसीज एम्फिसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर सर्फेस एरिया भी कम हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल के कारण. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आर द करेक्ट, करेक्ट बताने हैं स्टेटमेंट. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है. तो भाई 40 का जो करेक्ट ऑप्शन स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाइ नहीं. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमेटिक सेंटर फोन वर्किंग ब्रेकिंग इंडस्ट्री सफर फ्रॉम लंग फाइबर्स. ये करेक्ट है भाई, सी इसका करेक्ट है, हालांकि ए भी इसका करेक्ट है वो. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई सिगरेट स्मोकिंग, ये ए भी करेक्ट है इसकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, और सी भी इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है. जो न्यूरो सिग्नल होते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर से इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, वो क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, मतलब इंक्रीज नहीं करते, लिमिट कर देते हैं, लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं आएगा, लिमिट आएगा. ठीक है, और अबाउट 90% नहीं भाई 25%, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैरीड की जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट बात करेंगे, जो ब्लड का एनालिसिस है एक पेशेंट का रिवील्स एन एक अनयूजुअली हाई क्वालिटी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेक्ट की उसमें जो है पाई गई. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज द मोस्ट लाइकली टू बी, मतलब इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है करेक्ट हो सकता है, ज्यादा चांसेस है. तो पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग, पेशेंट जो है पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहा है कंटेनिंग जो कि अनयूजुअली हाई कंटेंट ऑफ, जिसमें कौन सा प्रेजेंट होता है. तो वे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड. देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो कि कब फॉर्म्ड होता है, जब एसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड सीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का वो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. आपको ये करेक्ट ऑप्शन इसका दिया. मैं आपको एक और केस बताती हूँ, सर्दियों के टाइम में जो कि अब चल रहा है, इस दौरान लोग जो है सर्दी से बचने के लिए कुछ लकड़ी वगैरह जलाकर अपने कमरे में रख लेते हैं. सुबह देखते हैं कई केस ऐसे आते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड गैस उससे रिलीज होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड गैस का इनहेलेशन के कारण डेथ हो जाती है. ठीक है, डेथ का कॉज क्या होता है, वो कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो एसोसिएट हो जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके वजह से ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो जाती है बॉडी में और दैट लेड्स टू डेथ. ठीक है, तो वहां पे वो सडन डेथ हो जाती है. तो इसी के साथ हमारे जो पीवाईक्यू चैप्टर के फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.